Good afternoon, dear students. In the previous lecture, we have studied about one of the very important property of sewage, that is BOD. And what was BOD? So BOD was the oxygen required for the decomposition of biologically active organic matter that is present in sewage, right? So that is defined as your BOD. In today's lecture, we'll study something more about BOD, that how much faster their reaction, मतलब what are the factors on which the this reaction depends कि किस rate से आपका organic matter decompose हो रहा है, तो वो किन किन factors पे depend करता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में. और हाँ, BOD कितने दिन की, कितनी हम कैसे निकाल सकते हैं. एक तो आपने previous lecture में एक तरीका हमने पढ़ा था कि 5 days BOD हम calculate कर सकते हैं हमारे laboratory experiments के through, but अगर आपको suppose 3 days BOD निकालनी है, BOD 3 निकालनी है, या फिर BOD 6 निकालनी है, कि 6 day की BOD, तो हम उसको किस तरह calculate करते हैं, that we will study in today's lecture. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि क्या होता है आपका डिकम्पोज होता है, राइट. उसको अपने डिकम्पोज होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है. अब ये जो इसके डिकम्पोजिशन का रेट है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, ठीक है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है टेम्परेचर, मतलब जब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन का, समय कितना टेम्परेचर. दूसरा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, राइट. तो मतलब अगर जो हमारा प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतने ही रेट से डिकम्पोजिशन होता रहेगा और ऑर्गेनिक मैटर फटाफट डिकम्पोज होता जाएगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर है. सेकेंड फैक्टर है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज में प्रेजेंट है. सो ऑब्वियसली अगर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन सीवेज इज लार्जर, तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन भी फास्ट होगा, मतलब क्योंकि फटाफट से ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और जितना ऑर्गेनिक मैटर है उतना ही ज़्यादा हमारा डिकम्पोजिशन होता रहेगा. तो ये दो फैक्टर्स हैं कि जिन पे डिकम्पोजिशन आपका सीवेज का डिकम्पोजिशन डिपेंड करते हैं. नाउ अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन योर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वाई एक्सिस में है आपका अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो आप समझ जाइए दिस इज बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पे हम बीओडी की बात कर रहे हैं. तो ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिसको कि हम एल टी से डिनोट करेंगे, एल बेस में टी. और यहाँ पे है हमारा टाइम इन डेज, एक्स एक्सिस में हमारा है टाइम इन डेज. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ जो हमारा होता है ये इस तरह आपका होता है, ये एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा, ठीक है. अब जब टाइम जीरो है, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब स्टार्टिंग है, टाइम जीरो मतलब अभी डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुआ है और इसलिए हमारे सीवेज में जितना ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज एल टी इक्वल्स टू एल. एल हमने सपोज कर लिया इनिशियली, इसमें ओरिजिनली इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था सीवेज में डिकम्पोजिशन से पहले, तो व्हेन टाइम विल बी जीरो एल टी विल बी इक्वल टू एल, बिकॉज अभी डिकम्पोजिशन शुरू नहीं हुआ है. एट एनी टाइम टी, सपोज ये टाइम टी है, कुछ भी वैल्यू है, इस पे जो हमारा बचा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर वो होगा एल बेस टी, ठीक है. तो किसी भी टाइम पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया एल टी, और जब टी जीरो है मतलब डिकम्पोजिशन शुरू नहीं है तो ऑब्वियसली एल टी विल बी इक्वल टू एल. एल क्या है, एल ये है कि हमारा इनिशियली, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इनिशियली इनिशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, मतलब डिकम्पोजिशन से पहले कितना ऑर्गेनिक मैटर था. तो ये ग्राफ जो है ये देखिए आप, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली वैरी करता है अगर एक ऑर्गेनिक मैटर और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें. तो जब जीरो होगा तो पूरा ऑर्गेनिक मैटर बचा रहेगा उसमें, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं टाइम आगे बढ़ रहा है तो डिकम्पोजिशन शुरू हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है वो धीरे धीरे करके आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, राइट. ऑब्वियसली डिक्रीज होगा क्योंकि अब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है. तो इस ग्राफ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मतलब कि द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन का यूज होना. अब ऑक्सीजन किस चीज में यूज होती है आपकी, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट. तो इस ग्राफ को स्टडी करके पाया गया कि जो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है, मतलब जिस रेट से आपकी ऑक्सीजन यूज हो रही है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, या जिस रेट से, इसका दूसरा मतलब ये क्या हो सकता है कि जिस रेट से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, राइट. दोनों मतलब एक ही हुआ कि जिस रेट से आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है और जिस रेट से ऑक्सीजन यूज हो रही है यानी डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, दैट इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ
ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। मतलब अभी हमने पढ़ा कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। एक तो होता है आपका पहला फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। अब जो हमारा प्रोसेस चल रहा होगा डिकम्पोजिशन का, डीऑक्सीनेशन का, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही चल रहा होगा। तो यानी टेम्परेचर वाला फैक्टर अगर हम कॉन्स्टेंट माने तो जो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है, मतलब जिस रेट से ऑक्सीजन यूज हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो उतनी ज्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी डिकम्पोजन के लिए, तो उसी रेट से, फास्टर रेट से ऑक्सीजन यूज होगी। तो इसीलिए रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। तो अगर हम इस ग्राफ की इक्वेशन लिखे तो वो हो जाएगी आपकी dLT/dt = -KDKLT, ठीक है, KLT सॉरी। तो इस इक्वेशन का यही मतलब है कि जिस रेट से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है और जिस रेट से ऑक्सीजन यूज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। LT हमारा क्या है, LT याद रखना डिनोट कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एट एनी टाइम टी। मतलब अगर आप एक दिन बाद देखेंगे तो L1 हो जाएगा कि एक दिन के बाद कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें बचा हुआ है, क्योंकि कुछ डिकम्पोज हो चुका होगा। तो LT वही है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू कि dLT/dt = -KLT, मतलब वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए रखा है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है पानी में वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट सीवेज में कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, राइट। तो अगर आप हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें फर्दर, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इस इक्वेशन को हम फर्दर इसलिए सॉल्व करें क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि बीओडी हम किसी भी पर्टिकुलर डे की कैसे निकाल सकते हैं, मतलब दो टू डेज बीओडी कैसे निकाल सकते हैं या 4 डेज बीओडी, राइट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा dLT, ये LT को यहाँ नीचे ले आए हम इस तरफ, ठीक है, LHS में, -KDT, ठीक है। ये सिंपल dT को आप इस तरफ ले आए और LT को इस तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e LT, आई होप इंटीग्रेशन आपको पता है, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन -KT+C, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन आया, ठीक है। हाँ, इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये जो LT है यहाँ पे हमारा, ये मैंने बताया अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन ये ऑक्सीजन इक्वेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। मतलब ये जो हमने क्वांटिटी लिखी है LT, ये है तो ऑर्गेनिक मैटर लेकिन उसका ऑक्सीजन इक्वेलेंट है। ऑक्सीजन इक्वेलेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज इसकी एक यूनिट कितनी है, वो एक यूनिट के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। जितनी भी एक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगी हमने उसका ऑक्सीजन इक्वेलेंट यहाँ पे डिनोट किया है, तो इसका मतलब जितनी इसकी एक यूनिट जो डिनोट करेगी वही होगा कि उतना ही यूनिट ऑक्सीजन की वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए इनडायरेक्टली हमें ऑक्सीजन भी बताता है कि कितना ऑक्सीजन उस प्रोसेस में यूज हो गई है, ठीक है। इसका मतलब आपको आगे समझ आएगा कि ऑक्सीजन इक्वेलेंट मतलब कि LT जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इसका हमने ऑक्सीजन इक्वेलेंट निकाला है, मतलब जो इसकी क्वांटिटी होगी उतना ही वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। आगे इसका प्रॉपर पता चलेगा। तो log e LT = -KT+C। अब नाउ हमें कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तभी निकलती है। तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो आपका जो LT है वो कितना होगा। L अभी हमने शुरू में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब टाइम जीरो होगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज में वो इनिशियल अमाउंट के बराबर ही है कि जितना इनिशियल अमाउंट था ऑर्गेनिक मैटर का। सो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो LT = L। तो जब हम ये पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये हो जाएगा आपका log e LT के बदले आपका यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है, -KT के बदले आप time = 0 रखेंगे +C, तो इससे आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई वो हो गई log e L, राइट। तो ये आ गई आपकी कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ फर्दर इस कांस्टेंट की वैल्यू इन इक्वेशन में रखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन वन, ठीक है। तो इससे हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे log e LT = -KT+log e L, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्दर आ गई। नाउ इस log e L को हम लेफ्ट हैंड में साइन ले जा लेंगे LHS में, तो log e LT - log e L = -KT
ठीक है। अब आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए अपॉन पी, तो इससे हो जाएगा लॉग ई ब्रैकेट में एल टी अपॉन एल राइट इक्वल्स टू माइनस के टी। नाउ ये लॉग बेस ई है, अगर मैं इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता, अगर हमें लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो वी सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 2.3। सो 2.3 लॉग, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ से 2.3 जब इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो लॉग 10 एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू -0.434 इंटू के इंटू टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो 0.434 के है ये होता है हमारा के डी, जो कि होता है डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा रेट से हमारा डिकम्पोजिशन होता है। तो ये होता है डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट मतलब सिंपल है, जो आपका अभी तक के था जो हम अभी देख रहे थे ये था रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका बेस ई पे, हमेशा आपको ध्यान रखना है जो ये के है ये हमेशा होता है बेस ई पे, जिसको की कहते हैं हम रिएक्शन रेट कांस्टेंट, मतलब जिस रेट से रिएक्शन हो रही है उसका ये कांस्टेंट है रिएक्शन रेट कांस्टेंट। लेकिन इसी को जब आपने एक्सप्रेस किया बेस 10 पे, तो ये बन जाता है आपका के डी, जिसको की कहते हैं डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। और ये हमेशा याद रखिएगा ये होता है आपका बेस 10 पे ही। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इस इक्वेशन में फॉर्मूले में पुट करेंगे के की वैल्यू, तो समटाइम्स आपको रिएक्शन रेट कांस्टेंट गिवन रहेगा जो कि बेस ई पे होता है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट में, जो कि बेस 10 पे होता है, क्योंकि फाइनली जो रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है बीओडी के रिएक्शन को डिकम्पोशन को, वो हमारा के डी होता है डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ना कि के। तो इसीलिए अभी आप फर्दर एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये हो गया 0.434 के हो गया के डी, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं लॉग 10 एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के डी इंटू टी। ठीक है, ये के डी आपका डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट, जो कि रिएक्शन कॉन्स्टेंट ही है बट बेस 10 पे है, अभी तक ये जो के था वो बेस ई पे था, तो के डी टी। अब नाउ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से लॉग हटाना है तो एल टी अपॉन एल इक्वल्स टू, ये 10 जब यहाँ चला जाता है तो 10^-KD^2T। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारा एल टी आता है वो आ जाता है एल टी इक्वल्स टू एन इंटू 10^-KD^T। एक तो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, इसको आपको याद रखना है, डेरिवेशन तो कोई नहीं बट आपकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं 2 से मार्क कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये आपको बता रही है कि एल टी, एल टी हमने अभी अगेन हम ग्राफ में जाए तो एल टी का मतलब क्या था, एल टी था अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। ये टाइम टी कुछ भी हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 2 डे हो सकता है, 3 डे हो सकता है। तो सपोज कभी आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि कुछ भी आपको डेटा दे दिया सपोज, और पूछ लिया कि इस सीवेज सैंपल में 3 दिन के बाद कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर इस तरह पूछा जाता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, सपोज 2 डेज या 3 डेज, टी कुछ भी टाइम हो सकता है, तो वो आप हमेशा इस इक्वेशन से निकालते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ के डी, आपको पता होगा, और टाइम, जितने टाइम बाद पूछी है, सपोज 2 दिन बाद पूछी है, तो उसमें आप टी रखेंगे 2 डेज। आपको याद रखना है टाइम हमेशा हम डेज में रखते हैं इस इक्वेशन में, टी इन डेज। तो कितने भी दिन के बाद कितना ऑर्गेनिक मैटर आपका बचा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग इनटू इसी इक्वेशन को हम फिर से अगर ऐसा देखा जाए कि इनिशियली आपका, देखो इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था एट टी इक्वल्स टू 0, कितना था ऑर्गेनिक मैटर आपका, ऑर्गेनिक मैटर था इक्वल्स टू एल, एल के बराबर आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था जब डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था। और सपोज हम लगा लेते हैं आफ्टर टी डेज, आफ्टर टी डेज, ये टी कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, ये एल टी जो हमने अभी निकाला, तो आफ्टर टी डेज एल टी बचा है, इसका मतलब इन टी डेज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड, समझ में आया, पहले आप पे था एल और अब बचा है इतना, तो मतलब इतने दिनों में टी डेज में कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा, वो होगा आपका एल माइनस एल टी, राइट। सिंपल तो मैथ से ये कि कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है टी डेज बाद, वो था एल टी, तो कितना डिकम्पोज हो चुका है वो हो जाएगा एल माइनस एल टी, सपोज हमने इसे डिनोट किया वाई टी से, तो वाई टी इक्वल्स टू एल माइनस एल टी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एल माइनस एल टी की वैल्यू होती है
एल इंटू 10 to the power -kd इंटू टी, ठीक है। यहां से हमने एल बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका एल ब्रैकेट में 1 -10 to the power -kd t, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी वाई टी। दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी यही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको मैं 3 से मार्क कर देती हूँ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि वाई टी इक्वल्स टू एल इंटू 1 -10 to the power -kd t, आपको याद रखना है। यहाँ पे एल है कि इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट था, के डी है डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको बेस 10 में ही आप रखेंगे, ठीक है। अगर बेस ई वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो दैट द आंसर वुड बी रॉन्ग, और टी है टाइम इन डेज। नाउ ये वाई टी, अभी हमने क्या बोला, वाई टी है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ होगा उसने कुछ ऑक्सीजन यूज की होगी अपने डिकम्पोज होने में, और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो एल टी और एल है, ये जो एल टी को हमने डिजिग्नेट किया है, ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो है लेकिन क्या है, ऑक्सीजन इक्वलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब कि इसकी जो एक यूनिट होगी वो एक यूनिट ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी। तो इसका मतलब वाई टी क्या निकाला है हमने कि कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है, जो कि एल माइनस एल टी से निकाला है। इसका मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसने उसने उतनी ही ऑक्सीजन यूज किया है, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेस किया है इसे ऑक्सीजन इक्वेलेंट के टर्म में यूज किया है। इक्वेलेंट टर्म जहां पे आएगा इसका मतलब उसकी एक यूनिट ऑक्सीजन के एक यूनिट को भी डेजिग्नेट करी है। तो इसका मतलब वाई टी एक तरीके से हमें बताता है बीओडी ऑफ टी डेज, समझ में आया आपको, मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसने कितनी ऑक्सीजन यूज की होगी वो भी वाईटी से ही पता लगेगी, राइट। और जो ऑक्सीजन यूज की उसको हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं, राइट, कि कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है डिकम्पोजिशन में वो बीओडी होता है। अब ये सपोज आपको 1 डे की निकालनी है तो ये हो जाएगा वाई बेस 1, राइट, ऐसे आप लिखेंगे वाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1। सपोज आपको 2 डेज की बीओडी निकालनी है तो ये हो जाएगा वाई 2, यहाँ पे आप टी की वैल्यू रख देंगे 2। तो इसी फॉर्मूले से हमको बीओडी ऑफ एनी डे आप निकाल सकते हैं, मतलब जैसे कि आपने लैब में पढ़ा उससे तो हम स्टैंडर्ड बीओडी निकालते हैं, यानी बीओडी ऑफ 5 डेज, लेकिन अगर आपको किसी टी डेज की वैल्यू निकालनी है बीओडी की तो वो निकलता है इस फॉर्मूले से, विच इज वाई टी इक्वल्स टू एल इंटू 1 -10 to the power -kd t। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कितना ऑर्गेनिक मैटर अब बचा है सीवेज में तो वो आप एल टी इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे, क्योंकि एल टी बताता है, एल से याद रखना लेफ्ट, तो कितना बचा हुआ है, तो एल टी बताता है कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। और अगर वो पूछता है कि कितना डिकम्पोज हो चुका है इतने दिन में तो वो इसी इक्वेशन से निकलेगा, और अगर वो उसी पर्टिकुलर डे की बीओडी पूछता है कि सपोज 3 दिन की बीओडी कितनी है तो वो भी सेम इस इक्वेशन से निकलेगी, क्योंकि एल टी जो हमने एक्सप्रेस किया ऑर्गेनिक मैटर वो ऑक्सीजन इक्वेलेंट को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट बीओडी इन एनी टी डेज, की कुछ भी हो सकता है 1, 2 या 3, राइट। तो ये हुआ आपका बीओडी की इक्वेशन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ना, राइट। तो ये तो था कि आप कैसे बीओडी ऑफ एनी टी डेज निकाल सकते हैं, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ मैंने आपको बताया था कि ये जो के डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द डिकम्पोजिशन, मतलब इसकी वैल्यू जो है उस वो डिटरमाइन करती है कि किस रेट से आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। जितनी ज्यादा के डी की वैल्यू होगी उतना ही फास्टर हमारा रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि सपोज आप कोई सीवेज सैंपल है उसका आप बीओडी 3 निकालते हैं, यानी 3 डेज की बीओडी निकालते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगी केडी के ऊपर। तो अगर आपने सपोज 3 दिन की बीओडी निकाली, एक बार केडी डीऑक्सीजन जो कांस्टेंट था वो हमारा था सपोज केडी, और दूसरी टाइम में था सपोज केडी डैश, और अगर केडी डैश केडी से बड़ा है तो इसका मतलब वही सेम सीवेज सैंपल के लिए 3 दिन की बीओडी इस केस में ज्यादा आएगी, हायर, ठीक है, और इस केस में आएगी कम। कम इसलिए होगी क्योंकि देखिए जब के डी कम है तो इसका मतलब रेट जो होगी रिएक्शन की वो कम होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है वो कम रेट से होगा। अगर वो कम रेट से डिकम्पोज हो रहा है इसका मतलब वो कम ऑक्सीजन यूज कर रहा है। उसी के तरह अगर के डी डैश हमने वैल्यू बढ़ाई है इसका मतलब हमने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया है, तो उन्हीं 3 दिन में जब हमने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया तो जो ऑक्सीजन यूज हुई वो ज्यादा होगी क्योंकि डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ गया है। तो इसीलिए कभी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सीवेज सैंपल के लिए क्या 3 डेज की बीओडी या 2 डेज की बीओडी इज इट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो नो इट वॉन्ट बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट विच इज योर के डी डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ के डी
लार्जर द वैल्यू विल बी ऑफ बीओडी, है ना। BOD 3 जरूरी नहीं है, सीवेज सैंपल के लिए सेम हो, इट डिपेंड्स अपॉन KD, और KD फाइनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, राइट। KD जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, तो जितना ज्यादा KD होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी, और KD कब ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं अगर हम प्लॉट करें ग्राफ BOD और टाइम के बीच में, ठीक है, और KD का वेरिएशन से दिखाएं, तो सपोज ये कुछ टाइम T है, ठीक है, इस पे आपने BOD जब निकाली तो KD1 जो कि सबसे कम है, इसमें ऑर्डर देख रहे हैं, तो KD1 जो है सबसे कम है, इज लेस देन KD2, और KD2 इज लेस देन KD3, मतलब KD3 सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो KD1 पे जो BOD की वैल्यू आ रही है, ये देखिए आप, ये कम आ रही है, लेकिन सेम टाइम पे हम अगर KD2 वाले उसमें देखें तो BOD की वैल्यू ज्यादा आ रही है, हायर वैल्यू। और सेम टाइम पे हम KD3 के केस में देखें, राइट, तो KD3 के केस में BOD की और ज्यादा वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टाइम सेम लिया है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि BOD ऑफ एनी टाइम, BOD T, मतलब T कोई भी दिन हो सकता है, BOD 2, BOD 3, दैट वोंट बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ KD, मतलब जितना डीऑक्सीडेशन कॉन्स्टेंट रहेगा ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा KD होगी उतनी ज्यादा BOD आपकी बढ़ेगी, मतलब सेम डे के लिए BOD ज्यादा भी हो सकती है अगर KD ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी हम BOD निकाल रहे हैं, तो BOD एक तो हम टाइम निकालते हैं कि POD ऑफ 3 डेज निकालनी है, और एक हम निकालते हैं कि हमें क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि अभी जो हमने टेस्ट किया है वो 20 डिग्री पे किया तो वैल्यू इतनी आई, लेकिन अगर हम टेस्ट को सपोज 30 डिग्री पे करेंगे, 30 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो वैल्यू क्या होगी POD की। तो उस समय आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपको ये न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो एक तो टाइम वही टाइम रखेंगे जितने दिन की आपको BOD पूछी गई है यहाँ पे T, और जो KD की वैल्यू आप रखेंगे आप उसी टेम्परेचर के लिए रखेंगे जिसके लिए पूछी गई है। सपोज टेस्ट उसने बोला 30 डिग्री के टेम्परेचर पे हमने किया है, तो आप KD की वैल्यू उतनी ही रखेंगे। देखो KD की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है अराउंड 0.1 पर डे, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो पर डे है। तो जब 20 डिग्री के, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो KD की वैल्यू 0.1 होती है मोस्टली। देखो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो 20 डिग्री मेंशन्ड है टेम्परेचर, तो आप KD को ऑटोमेटिकली 0.1 ले लेंगे, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि जो हमने टेस्ट किया था वो हमने 30 डिग्री के टेम्परेचर पे किया, तो यहाँ पे अगर आप KD की वैल्यू 0.1 रख देंगे तो आंसर गलत आएगा। हमको ध्यान रखना है हमको KD की वैल्यू भी उसी टेम्परेचर के लिए रखनी है जितने पे हमारा टेस्ट हुआ है, टाइम भी हम वही रखेंगे जितने दिन की हमें पूछी गई है, और KD की वैल्यू भी हम उसी टेम्परेचर वाली रखेंगे जितने पे टेस्ट हुआ है। अगर टेस्ट 20 डिग्री पे ही हुआ है तो 0.1 रखेंगे बाय डिफॉल्ट, और अगर नहीं हुआ तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो KD जो, सो हाउ डू वी डिटरमाइन KD एट एनी अदर टेम्परेचर, तो KD एट एनी अदर T टेम्परेचर, दैट इज T डिग्री सेल्सियस, दैट वुड बी KD एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 टू द पावर T-20। समझ आया, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं 4 से मार्क कर देती हूँ, पॉइंट नंबर 4। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि हमें किसी, अगर हमें टेस्ट जो हमारा है वो किसी और टेम्परेचर पे हुआ है 30 डिग्री पे, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे KD की वैल्यू तो 30 डिग्री के लिए ही पुट करेंगे, वेरस जो हमें नोन होती है वो सिर्फ 20 डिग्री की नोन होती है, जो कि होती है 0.1। अगर क्वेश्चन में मैंशन नहीं है तो आप इसी को लेंगे, तो KD एट एनी अदर टेम्परेचर आप निकालेंगे इक्वल्स टू KD एट 20 डिग्री, जो कि मोस्टली 0.1 होता है, इंटू 1.047 की पावर, ये पावर सिर्फ 1.047 में, ठीक है, तो 1.047 की पावर T-20, जहां पे कि T ये वही टेम्परेचर है जिस पर हमें KD निकालना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको KD निकालना है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे आप ऐसे निकालेंगे कि KD एट 30 डिग्री इक्वल टू KD एट 20, जो कि 0.1 होता है, तो 0.1 इंटू 1.047 की पावर T-20, T है 30, तो 30-20 यानी 1.047 की पावर 10। तो इस तरीके से KD एट एनी अदर टेम्परेचर निकालते हैं हम इन क्वेश्चन में। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अगेन बता रही हूँ, जब हम इस YT वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं KD की, तो हम उसी वैल्यू को पुट करेंगे जितने पे हमारा वो, जिस टेम्परेचर पे हमारा वो टेस्ट हुआ है, राइट। नाउ इसमें एक जो लास्ट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, वो ये है कि जो आपकी अल्टीमेट BOD होगी, ठीक है, अल्टीमेट BOD मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होगी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में, ये तो अभी हम 2 डेज 3 डेज की निकाल रहे हैं। अल्टीमेट BOD मतलब कि जितनी पूरी ऑक्सीजन उस सीवेज को चाहिए, तो उसके लिए हमें T को क्या पुट करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। क्योंकि क्या होता है, अगर हम देखें कि ये डिकम्पोजिशन का जो रेट है, देखो अगेन कमिंग बैक टू द ग्राफ, जिस रेट से डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें ऑर्गेनिक मैटर शुरू में इतना प्रेजेंट था, धीरे धीरे जाके ये रेट एक्सपोनेंशियली वेरी हुआ, और आप देख रहे हैं बहुत आगे इन्फाइनाइट टाइम तक चलता रहता है,
ठीक है, ये जीरो तक आने में, इसको ऑर्गेनिक मैटर की ग्राफ को जीरो तक आने में बहुत इनफाइनाइट टाइम लगते हैं। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन कंजप्शन का प्रोसेस है इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। तो अगर हमें अल्टीमेट बीओडी निकालनी है, अल्टीमेट बीओडी मतलब जितनी पूरी ऑक्सीजन वो सीवेज सैंपल यूज करेगा डिकम्पोज होने में, तो उसको हम लिखेंगे वाई इनफाइनाइट, वाई टी, यहाँ पे टी होगा इनफाइनाइट डेज, क्योंकि ये प्रोसेस आपका इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये हो जाएगा वाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे, एल इंटू 1 - 10^-KD इंटू टाइम के बदले हम यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया हमारी अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू। अल्टीमेट बीओडी मतलब जितनी टोटल ऑक्सीजन यूज हो रही है डिकम्पोजन के प्रोसेस में, राइट। तो इसमें जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/10^KD इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, ये अपॉन में आ गया क्योंकि पावर नेगेटिव में था, तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, ठीक है, और समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी विल ऑल्सो भी इन्फिनिटी, ठीक है। सो 1 / इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एल इंटू 1 - 0, राइट, 1 / इन्फिनिटी 0 होगा। इसका मतलब वाई इन्फिनिटी, जो कि वाई अल्टीमेट भी लिख सकते हैं, और वाई यू इज इक्वल्स टू एल। अब ये एल आपका क्या है, एल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एल इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। अगेन ग्राफ में देखिए, हमने पढ़ा था एल क्या है कि इनिशियली जितना ऑर्गेनिक मैटर उस सीवेज में प्रेजेंट है, मतलब जब डिकम्पोजिशन होने से पहले कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अल्टीमेट बीओडी आ रही है, अल्टीमेट बीओडी इज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली प्रेजेंट इन सीवेज। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये अल्टीमेट बीओडी भी किसके इक्वल आ रही है, जितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है, और क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर, देखो अभी इसी से हमें पता लग गया कि ऑर्गेनिक मैटर हमें एक तरीके से ऑक्सीजन के बारे में ही बता रहा है कि कितनी ऑक्सीजन है उतने दिन की, क्योंकि बीओडी अल्टीमेट मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो किसके बराबर है, इक्वल टू उसी, जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसी के बराबर है, तभी इसी का मतलब था आपका ऑक्सीजन इक्वलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये जो एल क्वांटिटी है ये क्या है, ऑक्सीजन इक्वलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो वाई यू यानी अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी मतलब पूरे सीवेज को डिकम्पोज होने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो जितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली प्रेजेंट है उसी के बराबर ऑक्सीजन चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट कैसे, मतलब किसी सीवेज सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है डिकम्पोजिशन से पहले वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, राइट। सपोज 500 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कभी चेंज नहीं होगी। दूसरे सैंपल में अगर 600 मिलीग्राम पर लीटर है डिकम्पोजिशन शुरू होने से पहले तो इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वेदर आप किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन करें, प्रोसेस करें, तो बस टेम्परेचर रेट को इफेक्ट कर सकता है कि वो रेट को बढ़ा सकता है, बट वो उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली प्रेजेंट था उसको नहीं चेंज कर सकता, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इससे आप ये समझे कि जो अल्टीमेट बीओडी है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेर एज बीओडी एट एनी टी डेज इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेम दिन की बीओडी, जो मैंने एग्जाम्पल देकर बताया था कि 3 डेज की बीओडी अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे देखेंगे तो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेस टेम्परेचर। तो बीओडी जो किसी पर्टिकुलर डे की है वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड डीऑक्सीनेशन कॉन्स्टेंट। बट अल्टीमेट बीओडी मतलब एक सीवेज सैंपल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए टोटल, दैट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंजेस विद द टेम्परेचर। क्योंकि आपने देख लिया मैथमेटिकली, आप लॉजिकली भी सोचे तो एक सीवेज सैंपल को ऑक्सीजन कितनी चाहिए टोटली डिकम्पोज होने के लिए, तो वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वो एक ही वैल्यू रहेगा। अब रिएक्शन रेट अगर ज्यादा रेट से हो गई तो भी ऑक्सीजन वो उतनी यूज करेगा, और कम रेट से हुई तो भी ऑक्सीजन वो उतनी यूज करेगा, बस फर्क कहाँ आएगा, टाइम में आएगा कि इतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन जो बीओडी किसी पर्टिकुलर डे की है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है कि कितने फास्ट से रेट से आपका सीवेज सैंपल डिकम्पोज हो रहा है तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रही है। लेकिन जो अल्टीमेट बीओडी है मतलब टोटल बीओडी, दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कभी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टेंट क्यों है, तो आप इसे मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं और आप लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑब्वियसली सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो उतना ही रहेगा और उसके डिकम्पोशन के लिए उतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब रेट बढ़ या घट सकता है बट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतनी ही होगी जितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो
दिस वॉज द योर लास्ट पॉइंट कि इसमें इस पूरे टॉपिक में. नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत बार गेट में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें कवर करेंगे. टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए. अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी. राइट, थैंक यू.